बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत के ज़िम्मेदारों से गुफ्तगू हुई और उन्होंने मजलिसों वगैरह में और घर के प्रोग्रामों में 50 लोगों के शिरकत की इजाज़त दी है, लेकिन वो भी कोविड के कवानीन के तहत के मास्क भी पहने रहे, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे। लेकिन जुलूस की अभी इजाज़त हमें नहीं मिली है। जो मरकज़ी जुलूस हमारे निकलते हैं, बड़े जुलूस निकलते हैं, उनकी कोई भी इजाज़त अभी तक नहीं मिल सकी है। इसी तरह से घरों के अंदर ताज़िए खाने सजाने की और ताज़िए रखने की भी इजाज़त है। और आशूर के दिन बहुत से लोग जो है अपने घरों के ताज़िए उठाते हैं, उनको भी इंशाल्लाह इजाज़त रहे कि वो अपने घरों के ताज़िए उठाएं, लेकिन इक्का दुक्का लोगों के साथ वो ताज़िए उठाए जाएंगे और दफ्तर किए जाएंगे। ये तमाम बातचीत हमारी हुई है और इसमें एहतियात मद्देनज़र रखना चाहिए, और क्योंकि ज़ाहिर है कि इसमें हमारा ही इसमें भला है और कोविड के कानून की पाबंदी में जो है वो हमारे लिए जो है वाजिब लाजिम, क्योंकि हमारे उलमा और महाराजे फतवे भी दे चुके हैं कि इससे एहतियात करना जो है वाजिब लाजिम। लिहाजा मजलिसों में कोई रुकावट नहीं है, मजलिसें इमाम बाड़ों में होंगी इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ 50 लोगों की शर्त के साथ। इमाम बाड़े सजे जाएंगे घरों के, तालम लगाए जाएंगे, तादियाँ रखे जाएंगे, इसमें भी कोई रुकावट नहीं है। आशूर के दिन इंशाल्लाह तादियाँ भी दफ्त होंगे, लेकिन बस वही सिर्फ घर के इक्का दुक्का लोग उस पर शरीक होंगे जो लेके जाएंगे, उसको भी मजबे की इजाज़त नहीं दी गई है।